नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंसल सोशल असिस्टेंस से। आज हमारे साथ कैरियर काउंसलिंग को लेकर ऐसे शख्स जुड़े हैं, ऐसे प्रोफेसर हैं जो अपने बच्चों को ना सिर्फ प्रेरणा उन्होंने दी है, उनको ज़िंदगी में सेटल होने में बहुत हेल्प की। और उनका जो फील्ड है वो फील्ड भी ऐसा है कि आम तौर पे अगर कोई कैरियर काउंसलिंग के लिए जाता है उस फील्ड की चर्चा नहीं करता। तो आज की बातचीत में हार्दिक स्वागत है प्रोफेसर अरुणदीप अहलुवालिया जी का। सर कैसे हैं आप? बढ़िया। सर आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताएं, अपने फील्ड के बारे में बताएं, फिर हम उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। मैं चंडीगढ़ में ही पढ़ा हूँ। तकरीबन सन 62 में 23 सेक्टर में ज्वाइन किया था। गवर्नमेंट स्कूल था वो। और जब मैंने जियोलॉजी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया प्री इंजीनियरिंग के बाद में 66 में, 1966 में, तब मैंने भी जियोलॉजी का नाम नहीं सुना था। मैं बाई चांस मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे थे महेश भारद्वाज, जो जिन्होंने मुझे सारी किताबें भी दी और उन्होंने मुझे जियोलॉजी के बारे में बता रखा था। तो मुझे ये मालूम था कि पूरी धरती की धन दौलत जो भी देश कमा लेता है, ढूंढ लेता है, वो इसी के बूते पे करता है। जी, तो आपने एक ऐसा विषय का नाम लिया है जो विषय जिसको हम जियोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं, ये कंफ्यूज हो जाता जियोलॉजी, जियोलॉजी जिसको कहते है। जी जी बोलना हैं, है, जी से नहीं बी बोलते, जी से। जॉलोजी ही बोलना। यस, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये समस्या हर जगह है। लोग जियोलॉजी और जूलॉजी को कंफ्यूज कर देते हैं। फिर जी वो ज्ञानी वाली के जैल वाली, जी वाली के जेड वाली, जी 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 वो जीवों से एक ये डील करेगी चट्टानों से, जीवाश्मों से, फॉसिल से, गैस से, पानी से, जी तेल से, कोयले से, हीरे जवाहरात से, जी सोना चांदी तांबा, सभी जो जो चीज हमारी जिंदगी का आधार है ये उससे डील करती है। जी बोलते हैं इसको, या जियो साइंसेस बोल देते हैं, या थोड़ा टेक्निकल हो जाता है तो इसको जियो टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं। पर लेट एवरीबडी बी वेरी क्लियर के जियोलॉजी नहीं, इसको जियोलॉजी बोलना है। क्लियर, बिल्कुल जी 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 डिस्टिंक्ट सुनाई देनी चाहिए। जी तो ये ऐसी साइंस है, ऐसा आर्ट है जिसके बारे में बोलते समय तक लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, और आम आदमी उसको जूओलॉजी या जियोलॉजी की तरह सोचने लगता है, लेकिन ये जियोलॉजी है। और ये चट्टानों के साथ, जो पूरी पृथ्वी है उसके साथ, माइनिंग के साथ, हीरे जवाहरात के साथ डील करती है। सर बड़ा इंटरेस्टिंग है ये विषय तो हमारे लिए, और इस विषय के बारे में थोड़ा सा और जानने के लिए आप हमें ये बताएं कि जो जियोलॉजी का विषय है ये जी कौन सी क्लास से शुरू होता है? क्या ये 10वीं क्लास के बाद शुरू होता है, 12वीं क्लास के बाद शुरू होता है, ग्रेजुएशन के बाद शुरू होता है, ये कहाँ से शुरू होता है? देखो, सच्चाई तो यह है कि साधारण विज्ञान में, जो जनरल साइंस है, उसमें चट्टानों के बारे में पढ़ाया जाता है। जी आज इवन आजकल हिंदुस्तान में भी, पहले भी पढ़ाया जाता था। मेरे जमाने में भी, मैंने मुझे याद है 9th क्लास में मैंने परिवर्तित चट्टाने, तहजार चट्टाने, आग्नेय चट्टाने, इग्नेस रॉक्स के बारे में पढ़ा था। पर एज सच जो वर्ड जियो साइंस, जियोलॉजी, दैट इज जियो लॉगोस, साइंस ऑफ अर्थ, ये शब्द नहीं आता, इसलिए ये आगे नहीं चलता। पर हिंदुस्तान में +2 के बाद में जी इसमें एडमिशन हो सकती है। दुर्भाग्यवश बहुत ज्यादा कोर्सेज इसके अवेलेबल नहीं है। तकरीबन 4 से 5% कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ही हिंदुस्तान के पढ़ाई जाती है। पर ये एक ऐसा विषय है जिसमें नौकरी की कभी कमी नहीं हुई और बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिलती है। सिर्फ क्योंकि एक पता नहीं रहता, तो चेतना नहीं रहती ना माँ बाप को, ना बच्चों को, ना उनके अध्यापकों को, जी तो इसलिए वो इससे महरूम रह जाते हैं। जी आपने बहुत अच्छी बात सर ये कही है कि नौकरी इसमें भरपूर 100% तक प्लेसमेंट हमने देखी है,
लेकिन फिर भी अभिभावकों को या बच्चों को जानकारी ना होने की वजह से वो ये फील्ड नहीं चूज कर पाते हैं, और दूसरी वजह कि बहुत कम जगह पर ये फील्ड अवेलेबल है। तो थोड़ा जैसे मैंने ओरिजिनल प्रश्न पूछा था कि कब से शुरू करता है बच्चा, अगर इस कैरियर को चूज करना चाहता है तो उसे कब से तैयारी करनी पड़ती है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में स्टडी करने के लिए अवेलेबल? मैं कहूंगा कि आपको एडमिशन जियोलॉजी में मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ना मिले तब भी नर्सरी के लेवल से बच्चों को म्यूजियम में ले जाइए। कम से कम चंडीगढ़ शहर में और कपूरथला में साइंस सिटी है, यहाँ पे 10 सेक्टर का जो म्यूजियम है, वहाँ पे एक म्यूजियम ऑफ डायनासोर्स है और पंजाब यूनिवर्सिटी का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है। तो हर बच्चे को इसके बारे में एक मजा, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, घूमने फिरने को बहुत रहता है। आप नदिया के बेड में घूमेंगे, पहाड़ों की चोटियों पे जाएंगे, बड़े बड़े पासेस में। मेरे 94 में मेरे MSc के बच्चे मेरे साथ स्पीति किन्नौर गए थे, कुंजम पास, रोहतांग पास, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पासेस पे उन्होंने काम किया था मेरे साथ। तो मेन जो मुद्दा रहता है, जो बच्चों से भी पूछे तो वो बोलेंगे इसमें मजा बड़ा आता है, और बाद में जब आपको पैसे भी मिलते हैं और घूमने फिरने को तो मिला ही मिला, तो एंटार्क्टिका तक जाके काम करने का आपको मौका मिलता है। तो पैसा भी मिल जाए और मजा भी मिल जाए, ऐसा सब्जेक्ट बहुत सारे और भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि यही इकलौता है, पर एक हॉबी के तौर पे इसको शुरुआत करिए और आपको मजा आए म्यूजियम में जाके तो आइए, अपनी किस्मत आजमाइए। पंजाब यूनिवर्सिटी में देखिए, DAV यूनिवर्सिटी ने शायद शुरू नहीं किया, पर बठिंडा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, रुड़की IIT, सभी IITs में है, जी, तो ये IITs में ये फैसिलिटी सब्जेक्ट है। और आप देखिए, तो ये जो सब्जेक्ट है सर, ग्रेजुएशन लेवल से शुरू होता है या पोस्ट ग्रेजुएशन? एक मिनट ये जेट ऊपर हमारे बहुत फ्लाइट जाती हैं, ये आजकल तो थोड़ी प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा तो ये एरोप्लेन के आवाज के बीच, कोई बात नहीं। हाँ हमेशा। जी, वी अंडरस्टैंड जी। तो हाँ सर ये जो हमारा कोर्स है, जो क्लासेस आप लेके जाते रहे हैं, जो आप क्लासेस पढ़ाते रहे हैं, वो ग्रेजुएशन लेवल से शुरू होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे इसकी सीधी एंट्री? BSc ऑनर स्कूल है हमारा, 2-3 साल का, जी 2 साल का MSc ऑनर स्कूल है, और BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगी। उसमें आपके पास बायो बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, दोनों एलिजिबल हैं। जी और अब बहुत सारे बच्चे दोनों सब्जेक्ट रखते हैं, मैथमेटिक्स भी और बायोलॉजी भी। जी अगर ऐसे बच्चे हों तो वो सोने पे सुहागा, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशंस बहुत हैं, स्टेटिस्टिकल एप्लीकेशंस बहुत हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन में खास तौर पे, माइनिंग में और जियो टेक्निकल प्रोजेक्ट में। जितने डैम होते हैं, कोई ऐसा डैम नहीं, कोई ऐसा हाईवे नहीं, कोई ऐसा मेट्रो नहीं जहाँ पे जियोलॉजी की दखल हो और जियोलॉजिस्ट की एडवाइस के बिना बन जाए। जी तो आपने सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही है कि +2 में जिस बच्चे ने बायोलॉजी की है या मैथमेटिक्स के साथ किया है, मेडिकल है या नॉन मेडिकल है, वो एलिजिबल है इस कोर्स में एडमिशन के लिए। और इसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज है उसकी बात अभी करते हैं। हमने जो पिछली बार भी लोगों से बातचीत करी थी कैरियर काउंसलिंग के बारे में, तो उनको ये फील्ड का अंदाजा नहीं था। तो जो +1 +2 करने के बाद जिनको लगता है कि फील्ड में बदलाव करना है, इंजीनियरिंग में नहीं जाना है या उनको डॉक्टरी लाइन में नहीं जाना, तो एक जियोलॉजी की लाइन है साथ में जिसको वो ऑप्ट कर सकते हैं। सर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ बातें कही हैं कि जियोलॉजिस्ट जो होता है ब्रिज भी बनाता है, डैम भी बनाता है, ये माइनिंग में भी जाता है, हीरा है, बनाता सोना है। बनाता बनाता इंजीनियर है, पर जी जियोलॉजिस्ट उसकी फाउंडेशन और उसकी साइट को लोकेट करता है, और उसके बारे में जब तक जियोलॉजिस्ट अप्रूवल ना दे दे, इंजीनियर आगे नहीं सकता। उसका कंट्रीब्यूशन रहता है बनाने में। उसका मेन उसके बिना नहीं होता कोई सेफ। आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनानी है, आप ये तो नहीं चाहेंगे कि 4 दिन बाद वो गिर जाए। तो उसकी जो फाउंडेशन है और जो जो भी चट्टाने हैं, और या सॉइल का जो नीचे का लेवल है, पानी का जो लेवल है, और उसका स्टेबिलिटी का जो सिचुएशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में जियोलॉजिस्ट को एग्जामिन करना बहुत जरूरी है।
जी बहुत बढ़िया और बहुत खूब आपने कहा ये बात। उस सब्जेक्ट को ही इंजीनियरिंग जियोलॉजी बोलते हैं। जी, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार लेंगे सर। इस विस्तार से हम जानेंगे आपसे कि एक तो आपने ब्रिजेस के बारे में बात करी, डैम के बारे में बात करी, अंडरग्राउंड वाटर टेबल की बात, कनल कनल तो ऐसे कुछ, हाँ कुछ जो आपके पॉइंट्स हैं आप लिस्ट हमें प्लीज एक बार दोबारा कर दें। कि माइनिंग भी आपने बात करी, तो कितने फील्ड हैं, क्या कोई लिस्ट बन सकते हैं, एंडलेस लिस्ट में बहुत जगह पे। ऐसा है, जीवन से जुड़ी आप अपनी बिल्डिंग देख लीजिए, शहर देख लीजिए, पूरे देश को देख लीजिए, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आप इस्तेमाल करते हैं, इवन दवाई खा रहे हैं आप, उसमें कैल्शियम खा रहे हैं, सिलेनियम खा रहे हैं, जिंक खा रहे हैं, वो सब कहाँ से आएगा? धरती माँ से ही आएगा ना, इन चट्टानों से ही आएगा ना। जी जी और बिल्कुल बिल्कुल जो जो आभूषण इतने शौक से हम खरीदते हैं अपनी बहू बेटियों के लिए, डायमंड खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, जी। ये सब जियोलॉजी का मामला है। अरे और फिर जरूरी नहीं आप नौकरी करें, जियोलॉजी में सबसे बढ़िया काम यह है कि नौकरी नहीं करनी तो आप में अपना एंटरप्रेन्योर शो कर सकते हैं और अपना प्राइवेट एंटरप्राइज चला सकते हैं। एक जीती जागती एग्जाम्पल है हमारा, ये आशु खोसला को आप जानते हो ना, उसी का क्लासमेट है डॉक्टर रितेश आर्या। जी वो कसौली का एक साधारण लड़का था, आज की तारीख में मेरे ख्याल से 10-12 करोड़ का मालिक है, और पानी की एक्सप्लोरेशन में उसने रिकॉर्ड कायम किए, आर्मी की भी मदद की, हाई ऑल्टीट्यूड्स में पानी की एक्सप्लोरेशन की, और बहुत वो पेलेंटोलॉजिस्ट भी है। और आप देख लीजिए, नौकरी करता था किसी जमाने में हिमाचल में, पानी के विभाग में ही उसने छोड़ दिया। तो पानी हुआ, दवाई हुई, या कोई बीमारी भी, तो फ्लोरोसिस है, जैसे पानी में फ्लोरीन है, तो उसका समाधान भी जियोलॉजिस्ट ही करेगा। वो मैं आंध्रा में काम कर रहा था, मुझे सिर्फ गांव वालों को ये बोलना था, भैया जो पिंक और ग्रे रॉक है वो ग्रेनाइट थी, उसमें फ्लोरीन फ्लोराइड था, जी इसको अवॉइड करिए, और जो काली वाली रॉक है वो गैब्रो थी, उसमें फ्लोराइड नहीं था, तो आप उसके अंदर जो आपने कुआं खोदा वो वाला पानी पीजिए, समाधान हो गया। नहीं तो कितने दिनों का बेड़ा गर्क कर रखा था फ्लोरीन ने पानी में। जी और छोटी सी एक वो थी ओपिनियन, यूरेनियम की बात आप देखिए, जितनी एनर्जी की बात हो रही है, इनफैक्ट हमें कितना गिड़गिड़ाना पड़ा दुनिया के आगे, एनर्जी जो एग्रीमेंट हमारा हुआ, तो सारा मामला किसका था? यूरेनियम का ही तो था। जी तो आ रहा है आपके इन पेगमेटाइट से, ग्रेनाइट से, इधर ही से तो आ रहा है। इनफैक्ट जी जंग भी जो होते हैं, इनफैक्ट चीन जो हमारे लद्दाख पे और उधर में नॉर्थ ईस्ट पे नजर अपनी कमीनी टिकाए हुए है, वो कोई ऐसे ही कोई हवा खाने नहीं आ रहा यहाँ पे, उसको उधर में उनके यहाँ पे गोल्ड मिला, वो सोचता इधर भी मिलेगा, और उधर भी ऑयल है इधर में। इस बात को हम सरकार पे छोड़ देते हैं, हम बात को वापस अपनी कैरियर काउंसलिंग पे लाते हैं। तो आपने दो बातें हमें बड़ी ही अच्छी बताई आपने। एक तो पहला कि इसमें अगर कोई कमाई का साधन देखने के लिए एजुकेशन लेता है तो उसके लिए भी बहुत स्कोप है। कोई कमाई की बजाय जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, एडवेंचरस कुछ देखता है, जिंदगी का यूटिलाइज करना चाहता है अपनी, तो भी उसके लिए बेहतर स्कोप है। तो हम अब अपनी बातचीत को लेके चलते हैं इसमें जो नौकरी का, बिजनेस का या कोई और स्कोप है उसकी तरफ। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, इन कोर्सेज को करने के बाद, बीएससी एमएससी को करने के बाद, सरकारी तौर पे कौन कौन सी नौकरियां, कौन कौन से विभाग हैं जिसमें एक बच्चा स्टूडेंट करने के बाद नौकरी कर सकता मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने यूपीएससी से एग्जाम दिया था है। जी एमएससी के बाद में, और मुझे क्लास 1 जॉब मिला, गेजेटेड क्लास 1 ऑफिसर था मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 10 साल, जी और क्योंकि मैं अध्यापक बनना चाहता था तो वहां से छोड़ के मैं यूनिवर्सिटी में आ गया। पर ओएनजीसी में नौकरी है, और हाइड्रोकार्बन्स की नौकरी है, कॉपर कॉरपोरेशन की नौकरी है, मिनरल एक्सप्लोरेशन, एटॉमिक मिनरल्स डिवीजन एक डिवीजन है जो जहाँ जियोलॉजिस्ट ही काम करते हैं। तो बहुत सा आजकल एनवायरमेंटल फील्ड अर्थ साइंसेस के साथ में बिल्कुल उसका गठजोड़ है, एनवायरमेंट का सर्वे होता नहीं बिना भूविज्ञान के, और भूविज्ञान भी चलता नहीं जब तक आप पर्यावरण न देख लें।
तो जी पर्यावरण के बहुत सारे पहलू होते हैं, पर जो पहलू चट्टान से, मिट्टी से, पानी से जुड़ा है, वो सारा का सारा जियोलॉजी से जुड़ा है। जी जी तो ये जो सारी नौकरियां अवेलेबल हैं, इसके लिए अगर स्टूडेंट्स, मैं तो समझता हूँ कि स्टूडेंट अवेयर ही नहीं है, जो फील्ड जिन्होंने नहीं चूज किया, जिन्होंने चूज कर लिया वो तो फिर भी ढूंढेगा कि मैं आगे क्या करूँ। तो इसकी कोई लिस्ट कहीं पे अवेलेबल है, या स्टूडेंट्स को आपसे कॉन्टेक्ट करना हो तो कैसे किया जा सकता है? नहीं, आजकल आराम से आप इंटरनेट पे देख सकते हो, जियोलॉजी डिपार्टमेंट्स दुनिया के भी और देश के भी, कोई दिक्कत नहीं है। जी, और उसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में गाइडेंस भी ली जा सकती है लगातार। इसके जहाँ पे कंपटीशन है, आपको जो कंपटीशन दूसरे सब्जेक्ट्स का है वही इसका है, साझा है, क्योंकि जी ज्वाइंट टेस्ट उसी की मेरिट है, आपकी अपनी चॉइस है। जी, तो इसमें एंट्री करने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है वो सबका कॉमन होता है, और वो उसको सबका कॉमन है, वो जी सबका कॉमन है। जी तो अभी आपने सरकारी नौकरियों के बारे में बताया आपने, और कुछ प्राइवेट फील्ड्स भी बता सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, उसमें भी कोई अपॉर्चुनिटी इनके लिए होती? आप देखिए, हर शहर में मेट्रो बनने की बात हो रही है, ऐसा कोई मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं है। हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, ऐसा कोई ये प्रोजेक्ट नहीं है। जो टनल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े टनल्स आजकल हमारे डिफेंस के लिए भी बन रहे हैं, कोई टनल नहीं है जिसमें चट्टानों का सर्वे नहीं होगा। हर मौके पे जियोलॉजिस्ट खड़ा होगा, कोई चट्टान टूटने वाली हो, किसी में से पानी आ रहा है, किसी का एंगल ऑफ डिप जो है वो गलत है। हाईवे पे देखिए, लैंडस्लाइड हो रहा, अभी भी टीवी पे मैं देख रहा था, वो लैंडस्लाइड की स्टडी भी जियोलॉजिस्ट ही करता है। तो उसमें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और प्राइवेट एमएनसीज, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जी टाटा की नौकरी है, अपने अंबानी साहब की नौकरी है, बिरला की नौकरी है, अदानी साहब की नौकरी है, ऐसा कोई नहीं है। जो भी अपने जितने अमीर लोग हैं ना देश के, जी 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 सब करता धरता सब जिसको एम्प्लॉय करते हैं। तो कट दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो देश जियो साइंसेस पे कम तवज्जो रखता है वो गरीब रहता है। हम गरीब इसीलिए हैं कि हमने जियोलॉजी पूरे देश में अभी पढ़ानी शुरू नहीं करी, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। जी तो मुझे लगता है कि इन सब आपसे जो बातचीत करके है, इससे बहुत बेनिफिट निकलेगा और बहुत सारा आगे समाधान भी निकलेंगे। जो हम एक पुअर कंट्री का मॉनिटर लेके चलते हैं, एक दिन ये ज़रूर बदलेगा, यही हमारी आशा है। अच्छा सर, अब मुझे एक चीज़ और बताएं कि कुछ बच्चे होते हैं जो जब ग्रो कर रहे होते हैं तभी पता होता है कि ये बच्चा अपने आप में ही कुछ करेगा, जिसको अब हम टर्म देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, ये शुरू से ही पता लग जाता है कि इसका चाल चलन ऐसा है कि अगर नौकरी दे भी दें तो ये छोड़ के, जैसे आपने कहा जी, मैं अपने फील्ड में चला गया, या किसी ने नौकरी छोड़ के अपना कुछ काम कर लिया। तो अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, एक एग्जाम्पल भी आपने लिया, तो उसमें जियोलॉजी फील्ड से क्या क्या? मैं एक बात बताऊं, बेस्ट बच्चे मैंने देखे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने बीएससी ऑनर्स या बीएससी या बीटेक जियो साइंसेस में कर लिया, जी उसके बाद में कुछ तो लॉ में चले गए जी और कुछ बिजनेस मैनेजमेंट में चले गए, एमबीए कर ली, या इवन मास्टर्स के बाद में भी एमबीए करी। केरला के जो चीफ सेक्रेटरी है ना, जी विश्वास मेहता, वो जी हमारी जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। आईएएस का एग्जाम दीजिए, आईपीएस का दीजिए, आईएफएस का दीजिए, आपको कौन रोकता है, यू आर एलिजिबल। वो जितना केरला का अच्छा परफॉर्मेंस है कोविड का, वो हेल्थ केयर में चले गए बाद में, बट जी जियोलॉजी की ट्रेनिंग ऐसी होती है जैसे आर्मी की ट्रेनिंग, जी तंबू में हैं, 20-20 किलोमीटर एक दिन में चलते हैं, ग्लेशियर पे चलते हैं, जी ऑल्टीट्यूड में चलते हैं, रेगिस्तान में चलते हैं, एक दमदार होते हैं जियोलॉजिस्ट, और वो दम तो हर जगह काम आता है। जी तो अगर कोई अपना बिजनेस, जैसे आपने बताया कि आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेसफुली अब बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वो एक आध एग्जांपल हमें बता दें कि किस तरह का बिजनेस रन करते हैं, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं। पानी पानी का बड़ा भारी बिजनेस है, वाटर एक्सप्लोरेशन का बड़ा भारी बिजनेस है, वाटर कंजर्वेशन का बड़ा भारी बिजनेस है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बड़ा भारी बिजनेस है। ये डॉक्टर रितेश आर्या, वो गूगल पे देख लें, उनको मिल जाएगा, एक स्टैंडिंग एग्जाम्पल है। एक दीपक बगाई थे जो डीजीपी रिटायर हुए हिमाचल के, उन्होंने जेमोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट
बॉम्बे में खोल रखा। उनका बचपन से शुरू से शौक था जेम्स के बारे में। अब तो जेम्स का तो मामला सारा जियोलॉजिकल है। जी तो वो जियोलॉजिस्ट थे, आईपीएस का एग्जाम दिया एंड टॉप की पोजीशन पे रिटायर हुए। एंड रिटायरमेंट के बाद में वो वापस अपनी जियोलॉजी में आ गए। वंस ऑलवेज जियोलॉजिस्ट, वो कभी भूलता नहीं है। जियोलॉजी से इश्क हो जाता है एक बार अगर आप जियोलॉजी करते हो तो। जी और हमारे आपसे बातचीत करने का मकसद ही यह है कि बच्चों को एजुकेशन से इश्क हो जाए। हम चाहते हैं कि बच्चे किताबों को एक बर्डन की तरह ना लें, बच्चे समझें कि ये जो पढ़ाई हो रही है ये उनके जीवन की एक ट्रेनिंग है। इसका इसका एक तोड़ है, आजकल किताबों के साथ में म्यूजियम की विजिट मैंने बोली, साइंस सिटी की बोली, फिर अब कोविड ने हमें सिखा दिया है कि आपको बहुत कुछ किताबों के बाहर सीखने को है। आपका टीवी चलाइए तो देखिए जरा, डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल, स्मिथसोनियन चैनल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, और ढेर सारे जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम हैं, साइंस सिटीज हैं, दे आर अवेलेबल वर्चुअली। तो पढ़ा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और ज्ञान का एक माध्यम और तरीका नहीं होता। जब आप ज्ञान बटोरने पे आ जाइए तो मोती कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं बच्चे। जी बिल्कुल, आपसे सर बातचीत करके हमें बड़ा अच्छा लगा और आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई। तो मैं सुनने वालों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, पानी के ऊपर बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं। किसी वक्त मौका लगेगा तो हम उनसे उन फील्ड की बात भी करेंगे। तो आज की सैकड़ों बातचीत बच्चों ने, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के, हिमाचल के सैकड़ों बच्चों ने मेरे इंस्पायर के कैंप्स में मेरी टॉक्स सुन रखी हैं, और उनमें से बहुत सारे जियोलॉजी में गए हैं उन उन टॉक्स के बाद में। जी, तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं सर, और अगली पॉडकास्ट में हम लोग उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, धन्यवाद।